ओशनोलॉजी का जब फील्ड एडवांस हुआ, जब ऐसे डाइविंग इक्विपमेंट्स डिस्कवर हुए जिससे कि अंडर वाटर की दुनिया का मुआयना किया जा सके, तो कई चीजें पता चली। उन बातों में से एक बात ये भी पता चली कि रोशनी में जो सात कलर्स होते हैं, कहाँ दिखते हैं ये सात कलर्स? रेनबो में हाँ, रेनबो में जो सात कलर्स दिखते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सात कलर्स जब रोशनी पानी पर पड़ती है तो ये सातों कलर्स वन आफ्टर द अदर अब्सॉर्ब होने लगते हैं। यानी कि पानी के नीचे के तबकों में कुछ कलर्स नहीं जा पाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब रोशनी पानी पर पड़ती है तो सबसे पहला कलर जो अब्सॉर्ब हो जाता है वो है लाल कलर। 15 मीटर से 30 मीटर के दरमियान पानी के अंदर जब पहुंच गए, 15 से 30 मीटर नीचे, तो रेड कलर अब्सॉर्ब हो जाता है। यानी उसके बाद रेड कलर की जो चीजें हैं वो रेड नहीं दिखेगी, दूसरा कलर दिखेगी, क्योंकि रेड कलर वहां मौजूद ही नहीं होता है। यानी अगर खून निकले तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका खून का कलर कुछ दूसरा दिखाई देगा, वो रेड प्योर नहीं दिखाई देगा। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो ऑरेंज कलर चले आता है 30 से 50 मीटर में। उससे गहरे जाते हैं, 50 से 100 मीटर पहुंचते हैं तो येलो कलर भी चला जाता है। उससे नीचे जाते हैं 100 से 200 मीटर में ग्रीन कलर चला जाता है। 200 मीटर के करीब ब्लू कलर अब्सॉर्ब होता है। ब्लू कलर यानी कि काफी गहराई तक पहुंचता है। अंडरवाटर डॉक्यूमेंट्रीज में अक्सर ब्लू कलर ही दिखता है। जी बिल्कुल सही, क्योंकि ब्लू कलर वहां मौजूद होता है, बाकी कलर्स रेड वगैरह ये सब अब्सॉर्ब हो चुके होते हैं। ब्लू कलर पहुंचा है तो एक ब्लूइश टाइप की लुक होती है डॉक्यूमेंट्रीज की। जी इसके बाद हम देखते हैं कि 200 मीटर से आगे बढ़ने में वायलेट और इंडिगो भी अब्सॉर्ब हो जाता है। तकरीबन 1000 मीटर जब डीप पहुंचते हैं तो कोई कलर वहां नहीं पहुंचता, मतलब कि वहां पर पिच डार्कनेस होती है। पिच डार्कनेस टोटल अंधेरा, किसी तरह की रोशनी नहीं पहुंचती। यहां तक का कि वो 1000 फीट नीचे जो मच्छियां रहती है, उसमें से कुछ मच्छियां ऐसी भी होती है जिनके पास खुद के जिस्म में रोशनी होती है, और वहां पर ऐसा हाल होता है कि जैसे कोई अगर हाथ भी निकाले तो दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरा के पूरा अंधेरा, फुल डार्कनेस। अब ये बात जो मैंने आपको बताई, ये कब हो सकता था? जब वैसे इक्विपमेंट डिस्कवर हुए जिससे कि उतनी गहराई उस टाइम पे जाने पे जाकर ऑब्जर्व किया जा सके। जी। क्या ये बात 1400 साल पहले किसी को पता हो सकती थी? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन कुरान की आयत है, सूरह नूर में है, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40, अल्लाह ताला ने फरमाया, औ का जुलुमातिन फी बहरिन लुजीन, या वो अंधेरे, अल्फाज पर गौर करिए, अंधेरा नहीं कहा गया, अंधेरे। जरा वो बात जो मैंने आपको इससे पहले बताई उसे नजर में रखते हुए ये आयत पढ़ रहे हैं, और वो अंधेरे उन अंधेरों की तरह, फी बहरिन लुजीन, जो एक बड़े गहरे समंदर में होते हैं। बाहर समंदर, लुजीन गहरा समंदर, अल्लाह ताला ने गहरे समंदर का जिक्र किया। यगशाहु मौजुन मिन फौकिही मौजुन मिन फौकिही सहाबुन, जिसके ऊपर मौजे होती है, मौजों के ऊपर मौजे होती है, उसके ऊपर बादल हैं। तो अल्लाह ताला ने एक मंजर बताया है और ये कहा है कि जो लोग इनकार करते हैं उनका हाल ऐसा होता है, ये गहरे समंदर के अंधेरों की तरह होते हैं जिसके अंदर मौजे और मौजों के ऊपर मौजे। आज साइंस हमें बताता है कि जो मौजे हमें ऊपर दिखती है उसके अलावा वेव्स, इंटरनल वेव्स भी होती है जो आंखों को नहीं दिखाई देती, जो इंटरनल वेव्स होती है। तो अल्लाह ताला ने मौजे, मौजों के ऊपर मौजे जिक्र किया, अंधेरों का जिक्र किया, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा, अगर कोई शख्स अपना हाथ बाहर निकाले उसे हाथ भी नहीं दिखेगा। ये समंदर के अंदर इतनी गहराइयां, अंधेरे, जहां एक आदमी हाथ निकालेगा तो उसे हाथ भी नहीं दिखाई देगा, इतना ज्यादा डार्कनेस। जी और फिर अल्लाह ने कहा वमल लम यजलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर, जिसके लिए अल्लाह रोशनी नहीं बनाता उसके लिए कोई रोशनी नहीं। यहां पे बात ये हो रही है कि कोई ऐसा भी है वहां जिसके पास अपनी रोशनी है, जिसके लिए अल्लाह रोशनी नहीं बनाता उसके लिए कोई रोशनी नहीं है। वो मच्छियां जिनके जिस्मों में, बिल्कुल सही, जिनके जिस्मों में वो रोशनी होती है, तो अल्लाह ने उस चीज का जिक्र किया है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा मंजर है किसे पता हो सकता था 1400 साल पहले? अंधेरे, अंधेरा नहीं, अंधेरे और मौजे, मौजों के ऊपर मौजे, हाथ निकालो तो हाथ तक ना दिखे, जो 1000 मीटर से ज्यादा की गहराई पर ये चीज होती है, जिसके पास रोशनी अल्लाह ताला नहीं देता उसके पास कोई रोशनी नहीं। तो हम देख रहे हैं ये डिस्क्राइब कर रहा है,